हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं चलता हूँ जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ऑडियो बुक के फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आए। तो चलिए आज हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, सिंपलेस्ट क्लोरोफाइसी से एडवांस क्लोरोफाइसी का ओरिजिन कैसे हुआ है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि देखेंगे ये ट्रेकियोफाइट से कैसे संबंधित हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर, ठीक है। तो देखिए, क्लोरोफाइसी के जो रिलेशनशिप था उसको दिखाने के लिए 3 लाइन प्रपोज किया गया था, जो कि था वालोसिन लाइन, टेट्राफोरिन लाइन एंड क्लोरोकोकिन लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वालोसिन लाइन की। तो वालोसिन लाइन से आप क्या आपको क्या समझा, वालोसिन माने वाल्वॉक्स। तो वाल्वॉक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो वाल्वॉक्स के ओरिजिन के लिए क्लैमिडोगोनास था, आप पता है यूनिसेलुलर एल्गी है, सिंपलेस्ट एल्गी है, फ्लैजेलेट एल्गी है, ठीक है। तो क्लैमिडोगोनास का जो सेल था, ठीक है, एक क्लैमिडोगोनास, दो क्लैमिडोगोनास, 4, 8, 16, 32 ऐसे ऐसे करके आपस में अरेंजमेंट होता गया, अरेंज होता गया। तो क्लैमिडोगोनास जब अरेंज हुआ, 2 अरेंज हुआ, 3, 4 अरेंज हुआ, तो ऐसे ऐसे जब अरेंजमेंट हो रहा था तो उसमें मॉडिफिकेशन भी हो रहा था, तो उससे क्या बना, टेराविना एल्गी, गोनियम, पेड्रिना, यूडिना, प्लियोडिना, प्लियोडिना से फाइनल अरेंजमेंट हुआ, तो उससे वाल्वॉक्स बन गया। फिर इसका थोड़ा फीचर क्या है वाल्वॉक्स का, ये सिनोबियम होता है, इसमें साइज एंड सेल्स एंड नंबर ऑफ साइज सेल एंड नंबर ऑफ जो होता है वो डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और इसका जो वाल्वॉक्स का जो कॉलोनी होता है उसमें उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। तो जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो टेक पार्ट करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपको असेक्सुअल बॉडी गोनिडिया देखने को मिलता है, 8 सेल्ड प्लेकिया स्टेज देखने को मिलता है, फाइलोफोर देखने को मिलता है जो कि कॉलोनी के इन्वर्जन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हुई वाल्वोकेल्स की बात। फिर वाल्वोकेल्स, फिर कंजुगेल्स आता है आगे, फिर कंजुगेल्स का ओरिजिन हुआ वाल्वोकेल्स के बाद। कंजुगेल्स में क्या देखा गया कि इसका जो प्रोटोप्लास्ट था वो कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है। फिर आया कैरल्स, कैरल्स में क्या देखा गया कि इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था कैरल्स का वो थोड़ा यूनिक था, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन देखने को मिल रहा था, तो इसको कैरोफाइसी में प्लेस किया गया, ठीक है। और ये कैरोफाइसी में देखा गया, लेकिन कैरल्स का क्या अलग बात था कि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल, पिगमेंटेशन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्लोरोफाइसी की तरह था। तो जो कैरल्स था वो क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी दोनों से सिमिलरिटी रखता था, ओके। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं टेट्रास्पोरिन लाइन की बात करते हैं। टेट्रास्पोरिन लाइन में देखा गया कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो मैं जैसे बोला क्लैमिडोगोनास था, तो क्लैमिडोगोनास में क्या हुआ, उसका जो मोबिलिटी था वो रुक गया, ठीक है, उसका फ्लैजेला लॉस हो गया, और उसका क्लैमिडोगोनास जो था वो कहाँ बदल गया, अनब्रांच फिलामेंट लाइक यूलोथ्रिक्स में बदल गया, ठीक है, अनब्रांच फिलामेंट बदला जो यूलोथ्रिक्स में चेंज हो गया, ठीक है। टेट्रास्पोरिन है, तो टेट्रास्पोरिन से क्या कंसीडर हो रहा है, टेट्रास्पोरा। तो यहाँ पे टेट्रास्पोरा एल्गी थी जो नॉन मोटाइल थे, सीडोपोडिया से मूव करती थी बेचारी सॉरी तो जो टेट्रास्पोरा था वो सीडोपोडिया से मूव करता था, और एक कॉमन मीडियम था, सेलुलर मीडियम था वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे देखा गया कि जो ये सेलुलर मीडियम था टेट्रास्पोरा का, तो ऐसे ही वाल्वोकेल्स के मेंबर थे वो भी ऐसे ही प्रेजेंट रहते थे, ठीक है, ऐसे ही उनका एग्जिस्टेंस होता था। तो जो ये सेलुलर मीडियम था वो रिलेशनशिप दिखाता था वाल्वोकेल्स से, और ये नॉन मोटाइल थे, जो टेट्रास्पोरा थे नॉन मोटाइल थे, जो कि रिलेशन दिखा रहे थे यूलोथ्रिक्स से, ठीक है। तो ऐसे दिखा गया, तो यूलोथ्रिक्स मैंने जैसे बोला अनब्रांच फिलामेंट थे, तो यूलोथ्रिक्स में मॉडिफिकेशन होता गया, वहाँ से ब्रांच बने, फिर ब्रांच बने, ठीक है, फिर ब्रांच वाले में भी मॉडिफिकेशन होता गया, जिससे कि एडवांस वाले फिलामेंट वाले बने, फिलामेंटस ब्रांच, ठीक है, डेप्लेंडिया, चीटोफोरा, फिर इसमें भी मॉडिफिकेशन हुआ, तो क्या बना, लीफ लाइक मतलब पैरेन्काइमेटस वाले बने, जैसे अलवा हो गया एंड इंटरोमार्फा हो गया, ये सारे बने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बात हुई टेट्रास्पोरिन लाइन की। फिर हम बात करते हैं क्लोरोकोकिन लाइन की। क्लोरोकोकिन लाइन मतलब क्लोरोकोकिन, तो आप क्लोरोकोकिन से अगर इसको अगर काटेंगे थोड़ा, इसको क्लोरोकोकिन को देखेंगे ध्यान से, तो इससे क्लोरोकोकम, क्लोरोकोकेस, क्लोरेला, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आप इसे देख के समझ सकते हैं कि हाँ आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं। तो क्लोरोकोकिन में बात करते हैं, तो क्लैमिडोगोनास था सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, टेट्रास्पोरिन में भी, वालोसिन में भी। तो क्लैमिडोगोनास में क्या हुआ, फ्लैजेला बेचारा लॉस हुआ, हर जगह फ्लैजेला उसका लॉस हो रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है, ठीक है।
तो क्या बोला मैं, क्लैमाइडोमोनास का फ्लैजेला लॉस हुआ तो क्या बना, उसे क्लोरेला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, क्लोरोकोकीन था तो इसमें डाइवर्जेंस इवोल्यूशन देखने को मिल रहा, मतलब कि एक एल्गी से इवोल्यूशन हो रहा है तो एक एल्गी बन जा रही है, फिर दूसरे डायरेक्शन में उसी एल्गी से दूसरी एल्गी बन रही है। ठीक है, तो ऐसे आपका देखिएगा ध्यान से, तो मैं जैसे बोला क्लोरेला बना, ठीक है क्लोरेला बना, तो क्लोरेला से फिर क्या हुआ, पेडियस्टम बना, हाइड्रोडिक्टियन बना जो कि नॉन मोटाइली थे। ओके, फिर क्या हुआ, अदर इसमें डाइवर्जेंस इवोल्यूशन हुआ तो इसमें क्या बना, फिर कोडियम बना। ठीक है, कोडियम जो था सिनोसिटिक वो भी था, सिनोसिटिक का मतलब आप सब समझ रहे हैं, सिनोसिटिक माने कि मतलब उसके थैलस में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो कॉमन मीडियम, उसमें सेप्टा नहीं था। ठीक है, तो कोडियम बना जो सिनोसिटिक था और ब्रांच फॉर्म था। ठीक है, अगर ये कोडियम बना, अब मैं बात करता हूँ कि ए ट्रेकियोफाइट से कैसे मतलब सिमिलरिटी रखता है, तो अगर ये कोडियम एल्गी था, अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोडियम एल्गी के थैलस में अगर बीच में आपका वैस्कुलर सिलेंडर आ जाए और इसके सेंट्रल एक्सिस पे अगर जो था स्पोरेंजिया डेवलप हो जाए, तो ये हो सकता है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेकियोफाइट था उसको बना सकते थे। ओके, तो यह बिलीव किया जाता है कि क्लोरोकोकीन जो लाइन है इवोल्यूशन का, वो सबसे मोस्ट लॉजिकल सोल्यूशन है रिलेशनशिप बैठाने में क्लोरोकोकस का विथ ट्रेकियोफाइट के साथ। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोकोकस को कंसीडर किया जाता है एकदम सिंपलेस्ट नोन ट्रेकियोफाइट के ओरिजिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात किया वॉलोसिन लाइन, टेट्राइस्पोरी लाइन एंड क्लोरोकोकीन लाइन के बारे में। ठीक है, आप सब जैसे वॉलवॉक्स का करेक्टर हो गया, ठीक है वॉलवॉक्स का वेजिटेटिव करेक्टर, ठीक है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है हाइड्रोडिक्टियन वाटर नेट क्या होता है, हाइड्रोडिक्टियन ठीक है इसमें नॉन मोटिलिटी कैसे है, फिर कैसे कैसे सेल का अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, और कोडियम क्या है, सिफोनस एल्गी क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ लीजिए। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्लैमाइडोमोनास है क्या, यहाँ पे क्या है, कौन सा हॉल ऑफ कौन सा, कैसे सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, कैसे फ्लैजेला है, कैसे लॉस हो रहा है। ठीक है, यूलोथिक्स है, यूलोथिक्स भी आप देख लीजिए। ओके, फिलामेंटस नॉन फिलामेंटस, आप यहाँ पे थोड़ा मतलब जो भी एल्गी है हर एल्गी के बारे में आप पढ़िए और अच्छे से सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो और ऑडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।